को स्टार्ट किया उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी कुल 24 तीर्थंकर इस धर्म में हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर जिनको माना जाता है, तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम था ऋषभदेव। कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुआ। इसलिए ऋषभदेव को जैन धर्म का एंशिएंट फाउंडर कहा जाता है, प्राचीन संस्थापक, आदि संस्थापक। जैन धर्म का किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का आज संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव। किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव आज एंशिएंट फाउंडर ऑफ जैन धर्म, ऋषभदेव। फिर बाकी और तीर्थंकर हुए, उनके बारे में इतना कुछ डिटेल आपको जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जरूरत किसकी है? 23वें कौन थे? 23वें तीर्थंकर, तो 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? तो जो 23वें तीर्थंकर है, 23rd तीर्थंकर है, इनका नाम क्या था? तो 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। नाम बोलिए, पार्श्वनाथ नाम था। किसका? 23वें तीर्थंकर जो है उनका नाम क्या था? तो 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। और जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है। पार्श्वनाथ ने कहा जैन धर्म में कुल 4 आर्य सत्य जोड़े। कितने आर्य सत्य? यानी कुल 4 बातें जोड़ी थी इसमें जैन धर्म में। और वो 4 बातें, वो 4 फैक्ट कौन कौन से हैं? तो वो 4 बातें हैं। पहला है सत्य। क्या है भैया? सत्य। सत्य माने ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमेशा आपको सत्य बोलना है, कभी आपको झूठ बोलना ही नहीं है। उसके बाद है सत्य के बाद अहिंसा। और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म सबसे ज्यादा डेडिकेटेड अगर किसी पर है तो इस पर डेडिकेटेड है, तो वो अहिंसा पर सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है, नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस, अहिंसा का सीधा मतलब है कि हमें जीवों पर दया करना है, कायम रहना है। किसके साथ? एनिमल्स के साथ, हमेशा दयालुता के साथ। कभी किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी है, कभी किसी जानवर को मारना नहीं। इसको क्या बोलेंगे? जैन धर्म को यहां तक कहता है कि आप एग्रीकल्चर का काम मत करिए, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर के काम करने से बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, और ये क्या है? अहिंसा है। इसलिए आपको अहिंसा का काम नहीं करना। उसके बाद तीसरा है अस्तेय। अस्तेय को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अस्तेय कहा जाए। और अस्तेय का मतलब क्या होता है? कि चोरी ना करना, नॉट टू थेफ्ट। आपको चोरी नहीं करना। और चोरी ना करना का मतलब यहाँ केवल यही नहीं है कि कोई सामान चुरा लो। चोरी ना करने का यहाँ एग्जैक्ट मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है, चोरी ना करने का यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, अगर वो अपने मन में ये सोच लेता कि फलाना घर मेरा होता, ये हमारा होता, ये हमारा होता, तो अगर ये भी बात आपके मन में आ रहा तो अकॉर्डिंग टू जैनिस इट इज ऑल्सो अस्थे। ये भी क्या है? मतलब ये भी क्या है? चोरी है। और आपको ऐसा भी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी चीज के बारे में भी सोच लेते हैं ये मेरा अपना होता, ये वस्तु मेरी अपनी हो जाती, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा चोरी करना, वो भी नहीं करना। और इसके बाद है अपरिग्रह। क्या है भैया? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? तो अधिक धन का संचय ना करना, नॉट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपके पास बहुत अधिक धन का संचय नहीं होना चाहिए, आपको एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है।
तो कितने आर सत्य जोड़े इन्होंने? चार आर सत्य जोड़े। किसमें? जय धर्म। किसने? पांच आर में। पहला कौन सा भैया? सत्य। फिर आप तक के लिखना है आपको लोग कि पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इनके पिता का नाम अश्वसेन था। क्या नाम था? इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनको जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान कहां मिलता है? पार्श्वनाथ को जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान इनको मिलता है कहां? तो झारखंड में पारस की पहाड़ियों पर। तो ये हो गए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ खाली एक नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे भैया? तो केवल आपको याद रखना है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये आपके अपने बात दिमाग में बिठा है। समझ आया? फिर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर आ रहे हैं। कौन से तीर्थंकर आ रहे हैं? 24वें तीर्थंकर आ रहे हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। आप सुनो सबसे बेहतरीन कहानी किसकी? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? महावीर स्वामी। तो हु आर द रियल फाउंडर आप बोलो? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब मैं आपको सारी कहानी सुना रहा हूँ। इसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में सारी कहानी आपको सुना रहा हूँ। सुनिएगा, सब समझ में आएगा। चलो देखो, अब जो महावीर स्वामी है, सुनो, पहली बात, ये कौन से तीर्थंकर हैं? इन्हें जैन धर्म का रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका? जैन धर्म का रियल फाउंडर कौन? महावीर स्वामी वाद द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अब आइए समझिएगा, देखो जो महावीर स्वामी है, तो ध्यान सुनने की कहानी। एक राजा है, उनके यहाँ 540 ईसा पूर्व, कब की बात हो रही है? 540 ईसा पूर्व में एक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। तो वैशाली एक क्षेत्र है, और जो वैशाली क्षेत्र है, इस वैशाली में कुंडल मक्का के रीजन आता है। इस वैशाली के राजा थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। राजा का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और जो सिद्धार्थ है भैया, ये सिद्धार्थ किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो ये ज्ञातक वंश के क्षत्रिय। किस वंश के? ज्ञातक वंश के क्षत्रिय है। कौन? सिद्धार्थ। और इनका विवाह हुआ है, जिसके साथ हुआ है, त्रिशला। कौन है? त्रिशला। यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम, और त्रिशला किस वंश की है? लिच्छवी वंश की राजकुमारी। किस वंश की राजकुमारी? तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी है, नाम क्या है? त्रिशला। अब समझना जरा भाई, कहानी बन गई। तो सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ, इसके यहाँ सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम है वर्धमान। क्या नाम है? यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम। क्या नाम था? किसके बचपन का? महावीर स्वामी के चाइल्डहुड का नेम है वर्धमान। जो वर्धमान है, इनके पिता का नाम और मम्मी का नाम। पिता किस वंश के? यात्रक वंश के क्षत्रिय। और मम्मी किस वंश की? लिच्छवी वंश की राजकुमारी। अच्छा, उनके पिता का नाम? उनके माने महात्मा बुद्ध। उनके माने महात्मा बुद्ध है। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। मम्मी का नाम महामाया। मम्मी का नाम? उनके पिता किस वंश के? शाक्य वंश के। किस वंश के? शाक्य। और मम्मी
वंश की, किस वंश की? कोलीय वंश की। किस वंश की? कोलीय वंश की राजकुमारी। समझ नहीं आ रहा? आ गया ना? यानी वर्धमान वाजपान एतापोमा सिद्धार्था एंड त्रिशला, सिद्धार्था वादा क्षत्रिय आप याद करता है मिस्टी, एंड कोलीय वादा प्रिंसेस आप लिटरली डायरेक्ट। समझ आओ? वर्धमान का विवाह होता है यशोदा के साथ। किसके साथ भैया? और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा। किसके साथ? यशोधरा। और इनका विवाह? यशोधरा। यशोदा। और उनका? यशोधरा। यशोधरा यानी वर्धमान, सॉरी जो सिद्धार्थ है, जो महात्मा बुद्ध है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा। और इनकी पत्नी का नाम? यशोधरा। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। कौन बिटिया? कौन पैदा हुआ? बिटिया। और बिटिया नाम अरोजा, या फिर इसी को कहते हैं प्रिय दर्शना। क्या कहते हैं? प्रिय। और उनके बेटा का नाम? राहुल। क्या नाम था? राहुल। और इनके बिटिया नाम? अरोजा न हो चाहे क्या बोलो, प्रिय दर्शना है की। इसकी पापा ये अगर बाप कुछ भी करे, पहला शर्त होता है कि अगर बिटिया है तो उसका विवाह करे, क्योंकि ये बाप की जिम्मेदारी है कि बिटिया को निपटाए करे। तो इसलिए उन्होंने कहा सोचा कि बिटिया हमको निपटाना, विवाह करता, बस इन्होंने अपनी पुत्री, पुत्री का नाम कहा है अरोजा या प्रिय दर्शना, इसका विवाह कर दिया जमाली के साथ। किसके साथ? जमाली। तो जमाली कौन बन गया? दामाद। कौन बन गया? दामाद। तो दामाद कौन था? जमाली। जमाली दामाद। अब चलिए 30 साल के वर्धमान के साल के हुए 30 साल, वो नहीं दो साल के हुए 30 और वह कितने साल के हुए थे? 29। उनका मन विचलित हुआ था 29 साल के, इनका मन विचलित हो रहा है 30 साल में। इनका मन विचलित हुआ कि नहीं, अब मन नहीं लगता, तो वो अपने पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर निकल गए। इन्होंने ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं जा रहे। ये कहते हैं वर्धमान अपने बड़े भैया से, अपने बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन के लिए, उनसे पूछते हैं कि भैया अब इस सांसारिक जीवन मेरा 1% मन नहीं लगता, 1% मन नहीं लगता, अब आप बताइए मैं क्या करूं। मन करता कि जाके तपस्या को सन्यासी बन जाऊं, भयंकर सन्यासी जीवन व्यतीत करूं। भैया कहते हैं ठीक है बेटे, अगर भाई आपका मन ऐसा है आप जा सकते हो, जाए। तो ये किससे पूछते हैं? अपने बड़े भाई से अनुमति ले लेते हैं पहले, और अपने बड़े भैया से पूछने के बाद कौन वर्धमान, कौन वर्धमान 20 साल की अवस्था पर, 20 साल की अवस्था पर इन्होंने अपना घर त्याग दिया। इन्होंने अपना घर त्याग दिया 20 साल की अवस्था, 30 साल की अवस्था पर इन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ करके क्या करना पड़ेगा? तपस्या। क्या करना है? तपस्या। इन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या की। कितने साल की? 12 साल की कठोर तपस्या, 12 ईयर हार्ड मेडिटेशन की। और जबकि सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने केवल 6 साल किया था। कितने साल? 6। उन्हें केवल 6 साल करना पड़ा, इनको कितने साल? 12 साल की कठोर तपस्या करते, और उस 12 साल की कठोर तपस्या के बाद किसको? वर्धमान को। किसको भैया? वर्धमान को। किसको? वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं वेद बता रहा हूँ, स्थान बता रहा हूँ, चांदिक ग्राम, गाँव का नाम बोलो, इनको कहाँ ज्ञान मिल रहा है? चांदिक ग्राम में। उनको कहाँ ज्ञान मिला था? कहाँ मिला था? बोध गया। इनको कहाँ? चांदिक ग्राम। उनकी नदी किनारे, उनका मेयर मेयर साल वृक्ष के नीचे, कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किसको ज्ञान मिला? महावीर स्वामी को ज्ञान मिला, कैवल्य की प्राप्ति हुई।
जा कहते हैं कैवल्य मिल गया, और कैवल्य मिल जाने के बाद कैवल्य माने होता है पूर्ण ज्ञान। क्या मिल गया इनको? पूर्ण ज्ञान मिल गया, कैवल्य मिल गया। और जैसे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जैसे होती, किसको? महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। यही से इनका नाम जिन हो गया। क्या हो गया? जिन, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, सारे संसार में इनके कंट्रोल में आ गए। इसके महावीर स्वामी ने किसको कंट्रोल में कर लिया? पूरे इंद्रिय को अपने वश में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और यही से यह ऑफिस नाम जाने गए महावीर स्वामी। और ये कहा हो गए थे? यही से दिगंबर। क्या हो गए थे? दिगंबर हो गए थे तपस्या करने के दौरान, कि बहुत कठोर साधना करते थे। तो जो भी अपने शरीर में पहने हुए थे वो कपड़ा इनके शरीर में ही खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी कपड़े को नहीं पहना। इन्होंने कहा बोला कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र, और जब दिशाएं ही किसी का वस्त्र हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? दिगंबर। क्या बोलते हैं? तो ये बन गए थे दिगंबर। क्या बन गए थे? दिगंबर। तो दिगंबर अब जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, पहला शिष्य बनाया। तो महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य तपस्व काले, ऐसे बोलूंगा, महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य और इनके पहले शिष्य बनते हैं जमाली। तो जमाली इनके पहले शिष्य थे, दामाद भी है और शिष्य भी हो। उनकी पहली शिष्य मौसी प्रजापति गौतमी। और इनके पहले जो शिष्य है वो है गधिवाहन की पुत्री चंदना। क्या नाम है? इनकी पहली शिष्य चंदना, उनकी पहली शिष्य गौतमी। कौन है? गौतमी मौसी, मौसी प्रजापति गौतमी। समझ आ रहा है? यस सर। फिर इसके बाद अब जैसे वो अपना ज्ञान मिल गया तो क्या कर रहे हैं? सबको समझा रहे, अपना पहला उपदेश दे रहे। कहाँ देना पहला उपदेश? सारना। ऐसे ये अपना पहला उपदेश देते हैं कहाँ? तो विपुलाचल की पहाड़ी पर राजगृह। कौन है पहाड़ी पर? तो राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया। किस पहाड़ी पर? विपुलाचल की पहाड़ी पर। किसने अपना पहला ज्ञान दिया? महावीर स्वामी ने। किसने ज्ञान दिया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी अपना पहला ज्ञान दिया। किस पहाड़ी पर? विपुलाचल की पहाड़ी पर। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो कहाँ अपना पहला उपदेश दिया? बोलो विपुलाचल। कहाँ देते भैया? विपुलाचल की पहाड़ी पर अपना पहला ज्ञान दिया। किसने? महावीर स्वामी ने। अभी अपने ज्ञान में कहते कि देखो, पहली बात तो हर इंडिविजुअल जो जैन धर्म को ज्वाइन करता है उस इंडिविजुअल को क्या करना है? तो उस इंडिविजुअल को अपने जीवन में पंच महाव्रत का पालन करना। किसका पालन करना? पंच महाव्रत का पालन करना। इसमें से चार तो पहले ही पास होना जोड़ चुके। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्ते और कौन? ये चार कौन जोड़ चुका? पांचवा। ये पांचवा जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब था कि आजीवन ये डिसाइड कर देना कि हमें शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना। तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। इन पांचों को एक साथ कहा जाता था पंच महाव्रत। और ये मेन किसको फॉलो करना होता था? तो ये मेन उसे फॉलो करना होता जैन भिक्षु और भिक्षुड़ी को। किस किस को फॉलो करना है? तो जैन भिक्षु और भिक्षुड़ी को इसे फॉलो करना अनिवार्य था। इसके लिए मैंडेटरी है भिक्षु और भिक्षुड़ी के लिए। जैन मॉन्क और जैन नन, इनके लिए कंपल्सरी था कि इसको फॉलो करें ही करें। दूसरी चीज क्या थी? तो दूसरी चीज ये है कि मान लो कोई इंडिविजुअल जो गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब जब गृहस्थ में आ चुका है जैन में आना चाहता तो वो तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो तो विवाह कर चुका। ऐसे में उसको वैवाहिक दायित्वों का पालन करना है।
और वैवाहिक दायित्व में चार चीजें होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका पालन करना उसे। तो ऐसे जो ऐसा नहीं कर सकता कि ब्रह्मचर्य का पालन कर, जो तो वैवाहिक जीवन का पालन करना, तो वो कहते हैं ऐसे में कि जो गृहस्थ में आ चुका अगर वो जैन धर्म को ज्वाइन करता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य में छूट रहे, और इसलिए उसको कहा जाता है अरुव्रत। क्या कहते हैं? अरुव्रत, यानी पंच महाव्रत को ही कहा बोलेंगे, कब? जब गृहस्थों के लिए हो जाए। किसके लिए? गृहस्थ। और गृहस्थों किसमें छूट रहेगी? ब्रह्मचर्य पालन में छूट रहेगी। इतनी बात समझ? आप ये कहते हैं कि देखो इस पूरे संसार में यही कहानी की सबसे स्पष्ट है। इनका कहना है जैन धर्म में महावीर स्वामी कहते हैं कि आप बताओ आपका जन्म क्यों होता, तो ये है आपकी अपनी आत्मा। कौन है ये आपकी आत्मा? मान लो ये आत्मा सोल आपके शरीर में कहीं बैठा हो, और ये जो आपकी आत्मा है ना, इसी आत्मा के साथ अगर अच्छा कर्म फल जुड़ जाता, अगर अच्छा कर्म फल जुड़ा तो आपको अच्छे जन्म मिलते, आप मानव बन जाते हैं, गाय बन जाते हैं, या अमीरों के घर के कुत्ते बन जाते हैं। जब आपका आत्मा के साथ कर्म फल का अच्छा हो, लेकिन अगर आपके आत्मा के साथ जो कर्म फल जुड़ा है वो बुरा कर्म फल जुड़ा, अच्छा कर्म फल नहीं जुड़ा, बुरा आप